हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 सितंबर के लिए बेस्ट 5 स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर आपको इंट्राडे का ट्रेड है वो प्लान करना है। मैं यहां पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो प्लीज़ आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको ट्रेड लेना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको सभी प्रकार की न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट मिल जाती है और मार्केट का जो लेवल्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। साथ में हमसे आप वहां पे सवाल भी पूछ सकते हो, उनका जवाब भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो इंट्राडे के स्टॉक्स की लिस्ट के ऊपर। तो जो पहला स्टॉक हमने चुना है वो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, और ये कंपनी यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी अच्छी, इसने एक यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना रखा है, ठीक है। ये एक चार्ट पैटर्न था और इसका यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के पास में यहाँ पे इसने रेंज बना रखी है, ठीक है। और रेंज बनाने के बाद में मेरा ऑलरेडी इसके अंदर यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर इसने क्या किया है, आज मार्केट गिरा था उसके बावजूद इसने नीचे जाने के बाद में काफ़ी अच्छी मूवमेंट की है, लगभग 7% इसने क्या किया है, अच्छा यहाँ पे अपसाइड दिखाई है। तो इसके अंदर ये ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं इस टाइम पे, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर 300 का लेवल है वो अगर निकलता है तो आपको बाइंग करना है, 305 का पहला टारगेट और 313 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 296 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो सेकेंड नंबर का स्टॉक है, अभी मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कभी भी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा, यानी लगभग 100 पॉइंट से नीचे या 100 पॉइंट के ऊपर आप मान सकते हो, 100 पॉइंट से नीचे नहीं, 100 पॉइंट से ज़्यादा आप उसको बोलोगे, तो 100 पॉइंट से अबव कभी भी गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है ना, उस टाइम पे स्टॉक्स भी हैं वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होते हैं, और उस टाइम पे हमारे लेवल के पास में नहीं होता है, वो जो लेवल होता है बाइंग का वो लेवल के पास में ओपनिंग नहीं होती है, तो आपको उस टाइम पे या उस दिन अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मार्केट नॉर्मल यहाँ पे लगभग 30-40-50 पॉइंट की मूवमेंट में गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, और हमारे जो लेवल्स दिए हुए होते हैं उनके लेवल के नीचे या थोड़ा सा आसपास में ओपन होने के बाद में मार्केट है वो ओपन होता है या स्टॉक ओपन होता है, उसके बाद में निकलता है तो आपको एंट्री करनी होती है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने यहाँ पे, ठीक है, मैंने मान लो कि ये वाला लेवल है आपको बाइंग के लिए दिया, ठीक है, और ये लेवल है 145 का, और मार्केट क्या किया 145 के, हमने आइडियल सिचुएशन ये है कि 145 के 145 हमारा लेवल है तो 144 से लेकर के 145 के बीच में ओपन हो जाना चाहिए, या 143.5 भी मान सकते हो, तो इस रेंज के आसपास में ओपन होने के पास बाद में मार्केट है वो ऊपर के साइड में निकलेगा तो आपको बाइंग करनी होती है। लेकिन आप क्या करते हो, कई बार ये होता है ये आपको नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो नहीं करना चाहिए, मार्केट गैप डाउन ज़्यादा होता है और उस टाइम पे मान लो कि ये स्टॉक है वो 140 के पास में ओपन हो गया, और 140 के पास में ओपन होने के बाद में ये यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आता है ऊपर, और फिर हमारे लेवल 145 के ऊपर जाता है और आप बाइंग कर लेते हो, भाई आप उस दिन बाइंग क्यों कर रहे हो, ये ऑलरेडी आप देखोगे तो 5 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है, 140 से 145 तक तो आ चुका है, इसके बाद में इसके अंदर यहाँ पे उतनी जान नहीं रहेगी कि ये उसको निकाले, ठीक है, उसके पास में होना चाहिए या उसके पास में क्लोज करके चला जाए फिर नेक्स्ट दिन निकालता है तो आप उसको ले सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है और आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होता है ट्रेड लेने से पहले। मैं आपको स्टॉक्स भी बता देता हूं, लेवल्स भी बता देता हूं, लेकिन आपको रिसर्च तो आनी ही चाहिए और फिर ही आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर का जो स्टॉक है वो है अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर भी देखोगे तो पावर सेक्टर की जो भी कंपनियां थी वो आज नहीं गिरी हुई, उनके अंदर भी पॉजिटिव मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर गया था, इसने थोड़ा सा करेक्शन कर लिया है, वापस से इसके अंदर ग्रीन कैंडल बन चुका है, डे हाई निकलता है इसका जो कि 385 का है, यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी है 392 का टारगेट के लिए, 380 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा। आईटी सेक्टर है, उसके अंदर यहाँ पे गिरावट थी, ठीक है, लेकिन बाद में सेकंड हाफ के अंदर इसके अंदर वापस से मूवमेंट आ चुकी थी। अदर स्टॉक्स को देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट किया था, जैसे इंफोसिस है उसने भी अच्छा खासा किया था, और यहाँ पे टेक महिंद्रा सबसे अच्छा चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको आपको स्विंग ट्रेड के लिए पहले भी रिकमेंड कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इसके अंदर काफी अच्छी गिरावट थी, उसके बाद भी ये एक रेंज बना करके निकल रहा था, और यहाँ पे हमने कहा था कि ये काफी अच्छी मूवमेंट है वो ऊपर के साइड में कर सकते हैं, और हमने इसका जो एक टारगेट है वो दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे 1360 के करीबन, और अब ये इसकी तरफ जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब यहाँ पे भी देखो इसने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला ब्रेकआउट के बाद में ऊपर गया, हाई था उसके पास में इसने कंसोलिडेशन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, लेकिन न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया था, वहाँ पे आज फिर से ऊपर के साइड में इसने क्या किया है, ग्रीन कैंडल बना दी है। तो ये जो लेवल बने हुए हैं ये निकलेंगे तो काफ़ी अच्छी ऊपर के साइड में मूवमेंट होगी, लेकिन अभी भी आप देखोगे 1296 का लेवल है उसको निकालता है इंट्राडे के अंदर, तो आपको 1305 का एक छोटा टारगेट और 1318 का यहाँ पे दूसरा बड़ा टारगेट होगा, वहाँ के लिए आप बाइंग कर सकते हो, 1289 के आपको स्टॉप लॉस लगा के रखने हैं इसके अंदर। तो ये हो गया हमारा
यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक, इसके बाद में हमने चुना है एशियन पेंट्स, ठीक है। क्रूड ऑयल यहाँ पे हाई पे चला गया था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या हो रही है, धीरे धीरे गिरावट हो रही है, और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरावट होती है क्रूड ऑयल के अंदर, तो पेंट स्टॉक्स हैं उनके अंदर यहाँ पे जो गिरावट हो चुकी होती है, तो वो क्रूड ऑयल गिरता है तो पेंट स्टॉक्स के लिए क्या होती है, वो एक पॉजिटिव खबर होती है, पॉजिटिव खबर, और पेंट स्टॉक्स ऊपर के साइड में चलते हैं, क्रूड नीचे और यहाँ पे जो पेंट के स्टॉक्स हैं तो वो ऊपर के साइड में चलते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है और यहाँ पे ऊपर निकल सकता है, तो 3261 के ऊपर आपको बाइंग करना है। 3290 का पहला टारगेट होना चाहिए और 3305 का यहाँ पे दूसरा टारगेट होना चाहिए, 3240 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है इन्फी या इन्फोसिस, सेम वही आईटी सेक्टर की कंपनी। इसके अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद में नीचे आया और वापस से दो दिन लगातार इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है, कैंडल्स इसने ग्रीन बनाई है, हालांकि कल इसमें गिरावट थी, ठीक है, लेकिन इसने ग्रीन कैंडल अच्छी खासी बनाई है, ठीक है। तो वापस से इसके अंदर क्या होगा, डे हाई निकलता है 1505 के ऊपर, तो आपको क्या करना है, एंट्री कर लेनी है, 1520 का पहला टारगेट और 1528 के ऊपर दूसरा टारगेट लगाना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 1497 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमने यहाँ पे जो इंट्राडे के स्टॉक की लिस्ट है वो डिस्कस कर ली है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।